हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिस ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको राइस फेशियल करना सिखाऊंगी। आपका जो राइस बच जाता है रात का, उसे आप फेंकिए नहीं, उससे आप अपना फेस को मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी अच्छी बेनिफिट्स मिलेगी आपकी स्किन के लिए। आपने कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट में देखा होगा कि उन लोग राइस का यूज़ करते हैं, क्योंकि राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए हो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइस स्क्रब बना रही हूँ। इसके लिए मैं चावल का आटा ले रही हूँ। आप चावल को मिक्सर में पीस के उसका आटा बना सकते हो। ये स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। राइस फ्लावर आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में बहुत ही हेल्प करता है। आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करता है इजीली। आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। और कोकोनट ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है इसमें, ताकि ये आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस रखे, स्क्रबिंग के साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चर भी करे। और रोज़ वाटर में पीएच बैलेंस रखने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा राइस स्क्रब रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्क्रबिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे आपको अपने हाथ पे डेमो करके बता रही हूँ। आपको इस स्क्रब को, राइस स्क्रब को कम अमाउंट में लेके अपने स्किन पे अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर वे में, ताकि आपके जो डेड सेल्स है वो ईजिली रिमूव हो जाए। अराउंड योर नोज़ एंड माउथ एरिया आप इसको अच्छे से मसाज करें, ताकि आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो ईजिली रिमूव हो जाएं। सर्कुलर वे में आप लाइट हैंडेड इसको मसाज करें, ज़्यादा हार्श नहीं होए अपनी स्किन से। राइस में बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, जो आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे उबले हुए चावल को पीस लूँगी फेस मसाज क्रीम और फेस पैक बनाने के लिए। ये कुछ इस तरीके का एक स्मूथ सा फेस बन जाएगा, फिर इससे हम मसाज क्रीम और फेस पैक बनाएंगे। मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप मसाज क्रीम बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइस पेस्ट लिया है और मैं इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड करूँगी, एवियन विटामिन ई कैप्सूल। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा मसाज क्रीम बन जाएगा। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा क्रीम बन जाएगा और लगाने में भी बहुत अच्छा इजी होता है। आप इजीली इसे मसाज कर सकते हैं। अब आपको ये मसाज क्रीम से अच्छे से 5 to 10 मिनट्स तक अपनी स्किन को मसाज करना है। मसाज करने से हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो एंटी एजिंग के काम आता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डल स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन कर देता है, बहुत ही अच्छा स्किन वाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, आपके स्किन को नेचुरली फेयर और स्मूथ बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। अब मेरा यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट स्टेप है। मैं यहाँ पे राइस फेस मास्क बनाऊँगी, या फेस पैक कह लो आप। तो मैंने यहाँ पे अगेन पिसे हुए चावल के अंदर दूध मिलाया है। मैं यहाँ पे मिल्क इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद हमारे स्किन को मॉइस्चर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर हनी ऐड कर रही हूँ, हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेमन ऐड कर लूँगी। लेमन में विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन को नेचुरली ब्लीच करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। अब इस राइस फेस पैक को हमें अपनी स्किन में अच्छे से लगा लेना है। एक थिक सा लेयर अप्लाई करना है
ये हमारी स्किन को टाइटन करेगा, हमारे फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा, रिंकल को रिड्यूस करेगा, हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा, आपकी स्किन में जो झुर्रियाँ आ गई है ये उसे रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करेगा, यूजफुल बहुत ही रेडिएंट लुक देगा, इवन ये आपके पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करेगा। इसे आप 5 to 10 मिनट्स से ड्राई होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, इंस्टेंटली आपको एक ब्राइट सा ग्लो दिखेगा अपने फेस पे। तो अगर आपको मेरा ये राइस फेशियल पसंद आया, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।